Hello, welcome to my channel Mathematic makes math easy. Today we will study class 8 chapter 6 squares and square root exercise 6.2 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 6.2. First question देखिए, कहता है find the square of the following numbers. दिया हुआ जो number है उसका हमको निकालना है square. कैसे होगा देखिए, exercise 6.2 यहाँ पे 1 का 1 दिया हुआ है, 32 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है. तो हमको पता है हम लोग कर लेंगे इसका 30+2, फिर 30+2 का ये वाला हो गया है स्क्वायर. तो 30+2 को लिख लेंगे दो बार, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर. फिर क्या करेंगे, फिर 30+2 को लिख लिए हैं दो बार, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर. उसके बाद जो पहला नंबर है 30 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 30+2 को. फिर जो नंबर लिखे थे सेकंड टाइम पे 30+2 उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से और बीच में हो गया है मेरा प्लस. इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 102. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है 35 का स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 30+5, यानी कि 30+5 एक बार और 30+5 दो बार. फिर क्या किए देखिए, 30+5 एक बार, 30+5 दो बार. यहाँ पर एक नंबर था 30, मल्टीप्लाई कर दिए हैं 30 से. फिर एक नंबर था 5, मल्टीप्लाई कर दिए हैं 5 से, बीच में आ गया है प्लस. इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया है 1225. नंबर 3, 86 का स्क्वायर, यानी कि 80+6 का होल स्क्वायर. 80+6 एक बार आ गया, 80+6 दो बार आ गया. फिर यहाँ पर देखिए, 80+6 एक बार आ गया, 80+6 दो बार आ गया. यहाँ पर 80 जो पहला नंबर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर 6 जो सेकंड नंबर था उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बीच में आ गया है प्लस का साइन. ये मेरा आंसर आ गया है सॉल्व करने के बाद 7396. नंबर 4, यहाँ पर दिया हुआ है 93 का होल स्क्वायर, यानी कि 90+3 का होल स्क्वायर. 90+3 आ गया एक बार, 90+3 आ गया दो बार, इसलिए फिर से यहाँ पर लिख लिए हैं 90+3 और 90+3. जो फर्स्ट नंबर था 90 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं 90 × 90+3. फिर सेकंड नंबर था 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं 3 × 90+3, बीच में हो गया है मेरा प्लस. इसको सॉल्व करने से आता है 8649. नंबर 5, दिया हुआ है 71 का स्क्वायर, यानी कि 70+1 का स्क्वायर. इसका मतलब 70+1 एक बार, 70+1 दो बार. यहाँ पर फिर से 70+1 एक बार, 70+1 दो बार. फर्स्ट नंबर था 70 तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 70+1. फिर देखिए सेकंड नंबर था 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 70+1. इसको सॉल्व करने से आता है 5041. इस तरीके से हम लोग दिया हुआ स्क्वायर नंबर्स का आंसर निकाल सकते हैं. ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 6. यहाँ पर दिया हुआ था 46 का होल स्क्वायर, यानी कि 40+6 का होल स्क्वायर. इसके मतलब 40+6 एक बार, 40+6 दो बार. फिर यहाँ पर देखिए 40+6 एक बार, 40+6 दो बार. और जो फर्स्ट नंबर था 40 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं 40+6 यहाँ पर. फिर सेकंड नंबर था मेरे पास 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 40+6. ये मेरा हो गया है 6 × 40+6. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर ये हो गया है मेरा 2116. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. ये कहता है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18. यहाँ पर एक नंबर बोल रहा है कि 6, 14, 16 और 18 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए क्या होगा. देखिए कैसे होगा ये. ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2. हमको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है उसका जो फॉर्मेट है वो होता है 2m, ये हो गया फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर हो गया है m² + 1. थर्ड नंबर हो गया है m² - 1. जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 6, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट 2m = 6 कर लेंगे. ठीक है, जो 2m है उसको हम लोग कर लेंगे 6 सबसे पहले. ये मेरा क्या हो जाएगा, m निकल जाएगा = 3. अगर m 3 निकल गया है तो m² + 1 क्या होगा, m² + 1 देखिए क्या हो गया है, 3² + 1 यानी कि 9+1 यानी कि 10. तो m² + 1 हो गया है 10 और m² - 1 यानी कि 3² - 1 यानी कि 9 - 1 यानी कि 8. तो m² - 1 हो गया है 8 और m² + 1 हो गया है 8. तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये मेरा हो जाएगा सबसे पहले 2m यानी कि 6. उसके बाद m² + 1, m² + 1 मेरा है 10, देखिए 10 आ गया. फिर आ गया m² - 1 यानी कि 8. ठीक है, ये मेरा हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब देखिए नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में 14, तो क्या किए हम लोग, लेट 2m = 14, देयरफॉर m = 7.
तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, m स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 यानी कि 48, फिर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 यानी कि 50। देयरफॉर मेरे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हो गया है 14 प्लस 48 प्लस 50। नंबर 3, लेट 2m इज इक्वल टू 16, तो m हो गया है 8, उसके बाद हो गया है m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 हो गया है 63, फिर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 मतलब 65। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरा बन जाता है 16, 63 और 65। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है नंबर 4, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 18। हम लोग क्या किए हैं, लेट 2m इज इक्वल टू 18, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 मिल गया हमको। ओके, तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, m स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1, इसका मतलब 80। वैसे ही m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81 प्लस 1 मतलब 82। देयरफॉर पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो मेरा बन जाता है 18, 80, 82। ओके, इस तरीके से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।